पापा ने ड्रेस चेंज कर लिया ना, तो उनको बोल लो जल्दी आए और मम्मा को भी। रुक लेता। डॉक्टर आंटी। यस बेबी। मरने वाली बात बैड क्यों होती है? मम्मा कहती हैं ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, लेकिन मैंने तो चर्च में सुना था कि एक मैन फादर से बोल रहा था कि उसका भाई हॉस्पिटल में ही मर गया। मैं भी मर सकता हूँ क्या? नहीं बेटा, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? और वैसे भी हम तो आपके पेट से कीड़े निकालने वाले हैं ना, और उसमें कोई मरते थोड़ी है। अगर मैं मर गया तो मैं मम्मा पापा से नहीं मिल सकता ना? ऐसा नहीं बोलते बेटा, आप चुप हो जाओ। बोलने दो ना प्लीज। अगर मैं गॉड के पास चला गया तो आप मेरे मम्मा पापा को बोलना कि वो दोनों साथ में ही रहें। पापा मम्मा को अकेले नहीं छोड़े, वो बहुत सैड हो जाती हैं। कोई किसी को अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। यू रिलैक्स। हाँ बेटा, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी से ठीक होकर अपने मम्मा पापा के साथ में ही रहोगे। पापा के बिग हाउस में। हाँ हाँ सर, बोलो। आखिर मैं ये क्या सुन रही हूँ? वो बच्चा कायरा। तुमसे किसने कहा? कायू ने, अभी उसका फोन आया था, मुझे उसने सब कुछ बताया, मैं तो सुन के होश उड़ गया। अकेले यहाँ सभी शॉक्ड है। अखिलेश, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? पिछले 5 साल से वो अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली सबसे छुप कर रह रही थी, यहाँ तक अपने बच्चे को भी छुपा कर रखा। लेकिन भगवान को भी देखो ना, कायरा और कार्तिक को हमेशा मिलाते रहे बिना ये बताए कि उनके बीच में भी कोई रिश्ता है, और अब जो पता चला है तो आज ही के दिन जब कार्तिक सब कुछ भूल भुला कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था, आज उसकी शादी के दिन अखिल, काश कि हम लोग को कुछ समय पहले ये सब कुछ पता चल गया होता तो बहुत डिफरेंट होता ना सब कुछ अखिल। मैं बाद में बात करूं, सर्जरी शुरू होने वाली है। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तुम हमेशा मेरी ऐसे बीच में बात काट देते हो और बोलते हो बाद में बात करें। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो। यहाँ पे पूरी फैमिली में सब लोग होते हुए भी मैं कितनी अकेली हूँ तुमने कभी नहीं सोचा अकेले। अरे मुझसे अच्छी तो नायरा है, कम से कम उसकी बेस्ट फ्रेंड लीजा उसके साथ तो है। यहाँ पे मेरा ना हस्बैंड मेरे साथ है, ना ही कोई मेरा फ्रेंड है। जाने दीजिए, कब आपको कौन सा फर्क पड़ा है मेरी इन सब बातों से? लीजा यहाँ है। मैम वेदिका मैम अभी अभी बाहर चली गई, खुद गाड़ी चलाते, ड्राइवर ने कहा साथ चलने, उन्होंने मना कर दिया। क्या? मैंने अखिल चाचू और सुरेखा चाची की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन ऐसा कैसे कर सकती है नायरा? पिछले 5 साल से अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली सबसे छुप कर रहती है वो। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आ गया। अब ठीक है ना कार्तिक? आई नो आज का दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा शॉक लेकर आया होगा। जिस बच्चे के साथ आप इतना स्ट्रेंज कनेक्शन फील कर रहे थे, वो आपका बेटा है। और आपकी वाइफ, जिसे आप डेड समझ रहे थे, वो जिंदा है। आ,
लेकिन ये वक्त आप सिर्फ कायरव के बारे में सोचिए। जब वो आपका कोई नहीं था तब भी हम उसके लिए प्रे करते थे, और अब तो और भी ज्यादा करेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कायरव को कुछ नहीं होगा। देखिए, जाने अनजाने में ही सही, पर आपने उसके लिए बेस्ट सर्जन को अरेंज किया है। और पल्लवी भी तो है, वो तो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। He's in safe hands. अब बस अच्छा सोचिए और भरोसा रखिए। कायरव इतना अच्छा बच्चा है, भगवान जी कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। लिहाज है भी या नहीं, या आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इंसान किस दौर से गुजर रहा है? बस आपको अपनी न्यूज़ की पड़ी हुई है। अगर मेरे ऑफिस ने आपसे कह दिया है कि हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, if we have something to say, we'll call you, then stop calling me. क्या हुआ? बात जोर से बात की क्या? आवाज दबा के बात करने की कोशिश तो की, लेकिन ये मीडिया वाले इतना इरिटेट कर देते हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं। ये काम होता है, इंसान है ना, इंसानियत के नाते ये देखना उनका फर्ज बनता है कि आदमी किस स्टेट ऑफ माइंड में है। हॉस्पिटल में है हम लोग, अपनों से कतरा रहा हूँ। कोई दिख जाता है तो एक तरफ हो जाता हूँ। कहाँ तो हमें बैठकर अपने बच्चे के लिए प्रे करना चाहिए, और कहाँ मैं मीडिया पर चुंचला रहा हूँ सब कुछ उस लड़की की वजह से। लड़की? आपका मतलब नायरा? नाम मत लो उसका, नाम मत लो। पहली बार जब उसका नाम सुना था ना, तब भी बुरी ही खबर मिली थी। पता चला था कि मेरा बेगुनाह बेटा खून के झूठे इल्जाम में जेल में है, वो भी उसी की वजह से। जी मनीष जी, जिस औरत की मौत उस एक्सीडेंट में हुई थी ना, उसी की माँ थी, और उस वक्त जो हालात थे उसमें उसका कार्तिक को दोष देना गलत नहीं था। जब मैंने शुभम को खोया था तो उसका दोष मैंने नायरा को दिया था, लेकिन नायरा ने कभी मुझे नहीं सुनाया। पता नहीं सुनना, मगर उस लड़की की वजह से हमेशा परेशानी ही आई है मेरी बेटी की जिंदगी में। उसकी जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, कार्तिक की वजह से, हमारी वजह से, कभी किसी और की वजह से। हम उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे मनीष जी? शुभम के वक्त मेरी गलती थी, लेकिन पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया ना, तो आज हम उसका साथ क्यों नहीं दे सकते? क्यों बीते हुए कल को आज में घसीट रहे हैं? क्योंकि हमारा बीता हुआ कल हमारे आज की बुनियाद है। जो कल बोया है आज वो ही काट रहे हैं, उसी का फल भोग रहे हैं, स्पेशली वो लड़की। नहीं मनीष जी, ये आप गलत कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा हूँ? और उसने जो किया है वो सही है? कार्तिक से नाराज थी, हमारे पास तो आ सकती थी, उसे क्या लगा था हम उसकी बात नहीं समझेंगे? अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने हमेशा उसका साथ दिया है, कार्तिक से ज्यादा उसका साथ दिया है, चाहे वो सुख की बात हो या जडेजा की वेडिंग की, अब मेरे के बारे में, हमेशा कार्तिक से ज्यादा मान रखा है मैंने उसका। और उसने क्या किया? सब कुछ भूल भाल के चोट छाट के चली गई। जब हमारा सबसे करीबी हमें चोट पहुंचाता है तो हमारा दिल टूट जाता है, दिमाग भी काम नहीं करता ऐसे वक्त में। नायरा भी उस वक्त हर्ट थी और इसीलिए वो चली गई, कभी लौट के ना आने का शायद उसने भी कभी सोचा नहीं होगा। ये सारी बातें छोड़ दीजिए और भूल जाइए। भूल ही तो नहीं सकता स्वर्णा, जो उस लड़की ने किया है वो भूल ही तो नहीं सकता, बल्कि आज तो वो भी याद आ रहा है जो इतने वर्षों में याद ही नहीं आया। तुम जानती हो पहली बार उस लड़की से मैंने क्या शब्द कहे थे? रुक जा,
मुझे मुझे कार्तिक से मिलना है। डॉक्टर ने मना किया उसे डिस्टर्ब करने के लिए। हमारे लॉयर्स की भी परमिशन नहीं है उसे किसी बाहर वाले के साथ बात करने की। ऐसा लगता है कि फिर से वही शब्द दोहराने पड़ेंगे उस लड़की से। एक बार, बस एक बार कायरव सर्जरी से बाहर आ जाए, सब ठीक हो जाए, उसके बाद उससे कहूंगा कि रुको रुको, तुम मेरे बेटे और उसके बेटे के कमरे में दाखिल नहीं हो सकती। उसने जो किया है ना कार्तिक के साथ, कायरव के साथ, हम सबके साथ, उसके बाद उसे माफ तो नहीं किया जा सकता। जितनी तकलीफ दी है ना उसने, उसने मेरे बेटे को, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि कभी मिली ही ना होती तो शायद बेहतर होता। मनीषी, मैं जानती हूं कि आप अभी गुस्से में हैं, लेकिन आप नायरा से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप कार्तिक से करते हैं। हे भगवान, हम सबकी परीक्षा मत लीजिए, हर किसी को हिम्मत दीजिए, हर किसी को शांति दीजिए। I'm sorry. I know आज का दिन बहुत मुश्किल है आपके लिए। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या कहूं आपसे इस बारे में। समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कैसा फील करना चाहिए कैसा नहीं। वहां हमारी शादी हुई और यहाँ ये सब। सब भगवान, वहां शादी हुई और यहां पता चला कि नायरा जिंदा है। पीतिका के साथ भी तो कितना गलत हुआ, और कैरव उस बेचारी का क्या कसूर। जब उसे पता चलेगा तो भगवान, हम तो सोच भी नहीं पा रहे क्या होगा, कैसे सुलझेगा ये मामला। सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेट हो गया ना ताई जी। ये कुछ घंटों पहले तक तो सब ठीक था, और अब बोलो सुरेखा, वेदिका ठीक तो है ना? उसी के बारे में बताने के लिए फोन किया दीदी, वो पता नहीं कहाँ चली गई अचानक। कहीं चली गई मतलब? हे भगवान, अब और क्या देखना बाकी रह गया? पूछो उसे कुछ बता के गई है क्या? नहीं माँ जी, किसी को कुछ बता के नहीं गई है वो। भगवान, कोई प्लीज कार्तिक को बताइए। नहीं, कार्तिक से कोई कुछ नहीं कहेगा, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है कायरव को लेके। हम खुद पता करते हैं कहाँ गई, क्यों गई। क्यों गई ये तो साफ ही है ना, उसे नायरा के बारे में पता चल गया होगा, और वो समझ नहीं पा रही होगी कि क्या करे, किससे कहे। समझ तो हम में से भी किसी को नहीं आ रहा क्या करे। सारे तार इस तरह उलझ गए कि क्यों नायरा बेटी का बच्चा, पता नहीं क्या होने वाला है अब।
वेदिका ये नायरा है, मेरी एक्स वाइफ। मेरी एक्स वाइफ। मेरी एक्स वाइफ। एक्स ही हुई ना, 5 साल से तो अलग अलग रह रहे हम, एक दूसरे से मिलना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी हमने, कुछ नहीं जानते थे एक दूसरे के बारे में, जिंदा भी है या कुछ नहीं पता था। लीगली तो फिर ये शादी नहीं रही ना। और नायरा, ये नायरा, नायरा ये वेदिका है, माय वाइफ, माय वाइफ। अभी कुछ देर पहले ही शादी हुई है। फिर भी खामोशियों में क्यों बीती वो यादें, मैं बुलाने आई थी, डॉक्टर ने कहा कि हम दोनों यानी कायरव के मम्मा पापा उसकी सर्जरी देख सकते हैं, तुम चाहो तो आ सकते हैं, सर्जरी बस शुरू होने वाली है। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।